रात के समय में माइकल, फ्रैंकलिन और लेस्टर ये तीनों पार्टी करने के बाद में अपने अपने घर जा रहे थे और तीनों की तीनों नशे में थे। इन तीनों को रास्ते में दिखती है एक कस्ट किलर कार फॉर्च्यूनर, पर इन्हें नहीं पता था कि ये नॉर्मल से दिखने वाली कार एक कस्ट किलर कार है। और अब आगे है यार, बीच रोड पर किसने गाड़ी खड़ी कर रखी है, हटाओ इसे। अरे फ्रैंकलिन, गाड़ी को साइड में से निकाल लेना, क्यों परेशान हो रहा है। अब ऐसे कैसे साइड में से निकाल लूं भाई, ऐसा कौन है इसने बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी है, इसको और कहीं जगह नहीं मिली क्या। अरे ये क्या, ये तो एक फॉर्च्यूनर है यार, इसके अंदर कोई बैठा भी है यार, लग तो रहा नहीं है। एक तो यार इसके काले शीशे और रखे पूरे, एक बार झांक के देखता हूँ इसमें। अबे इसमें तो कोई भी नहीं है भाई, इस गाड़ी को ले जाएंगे घर पे। ओए हेलो माइकल, क्या हो गया फ्रैंकलिन भाई, क्या देख लिया। अबे मेरे साथ आ भाई, ये फॉर्च्यूनर है भाई, ये देख यार ये जो कार है ना ये फॉर्च्यूनर है भाई। अरे फ्रैंकलिन यार, कोई सी भी कार हो हमें इसका क्या करना भाई, हमारी कार थोड़ी ना ये। अबे लेस्टर, इस कार के अंदर कोई भी नहीं है यार, इसे हम अपने घर लेकर जा सकते हैं। और ये देख इसका गेट भी खुला हुआ है और तो चाबी भी लगी हुई है इसमें, कार स्टार्ट भी हो चुकी है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ इस कार को लेकर चल रहे हैं, ये अपनी पुराने वाली कार छोड़ दे यहीं पे। बता भाई माइकल लेके चलेगा इस कार को। फ्रैंकलिन यार, मन तो मेरा कर रहा है यार, पर लेकिन ये अपनी कार नहीं है भाई, कोई लफड़ा हो गया तो फिर यार फंस जाएंगे हम। किसी को क्या पता चल रहा है ये कार हमारे पास है, इसका नंबर प्लेट और चेंज करवा देंगे, और इसमें अगर GPS होगा तो लेस्टर भाई इसे हटा ही देगा। अबे लेस्टर क्या हो गया भाई, चक्कर आ रहे हैं क्या, तेरे को ज्यादा पी ली तूने लग रहा है। हाँ यार सर, तो मेरा बहुत ज्यादा घूम रहा है भाई, यार घर चलो यार, तुम कहाँ फंस गए बीच में। भाई मैं तो कह रहा हूँ इस कार को लेके चल रहे हैं भाई, तुम लोग फटाफट बैठो, मैं तो बैठ गया भाई, मैं तैयार हूँ उस कार को ले जाने में। अबे लेस्टर गोद में बैठेगा क्या, पीछे बैठ। अच्छा चलो ठीक है यार, बैठ ही जाते हैं इसमें। भाई इसके काले शीशे से मैं तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और माइकल भाई बढ़िया है ना कार ये। हाँ यार फ्रैंकलिन, कार तो बढ़िया है, पर लेकिन यार थोड़ा डर से लग रहा है कहीं पुलिस वाले ना जाए हमारे घर पे। फ्रैंकलिन इस कार को लेकर घर तो जा रहा है, पर लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ आगे होने क्या वाला है, क्योंकि ये कार जो है ये है एक कस्ट किलर कार। फ्रैंकलिन की जिद की वजह से ये दोनों भी साथ में फंस चुके हैं, ये कस्ट किलर कार अब इनसे भी बदला लेगी। अबे क्या कर रहा है यार फ्रैंकलिन, थोड़ा सही से चला यार। अबे क्या करूं भाई, मेरा सिर घूम रहा है भाई, चलाई नहीं जा रही गाड़ी, और ऊपर से इस कार के शीशे काले हैं यार, ये आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा है सही से। ओ भाई हमें तू सही सलामत घर तक ले जा बस, बेशक से आराम से चला ले इस कार को। चल ठीक है भाई, थोड़ा आराम से चला लेता हूँ। और माइकल मैं अभी तेरे घर पे लेकर चलता हूँ, वहीं पर तीनों सो जाएंगे अभी, और सुबह भाई निकल लेंगे हम। अरे नहीं नहीं यार भाई, मैं तो अभी जाऊंगा यार, मेरे को काम भी करना है कुछ। अबे लेस्टर ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है यार, इतनी रात को करेगा भाई, कल सुबह जाके कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बात समझो यार, मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है भाई। अच्छा चल थोड़ी देर बैठ तो जा यार यहाँ पे आगे, फिर चला जाइए थोड़ी देर बाद, एकदम आते ही थोड़ी ना भगेगा यहाँ से। रहीन तू तो रुकेगा ना यहाँ पे, तू भी अभी जाएगा। अबे नहीं भाई, मैं तो भाई सुबह जाऊंगा, बहुत तेज नींद आ रही है मेरे को तो। अच्छा तो चलो ठीक है, यहाँ पे आके थोड़ी बहुत बात बात करते हैं। अरे यार माइकल बात नहीं करनी यार, नींद आ रही है, कोई सोने की जगह बता दे मेरे को तो। टाइम क्या हो रहा है यार, 10:30 बज रखे। अच्छा चल भाई आजा, सो ही जा तू ऊपर आके। और यार लेस्टर तू भी भाई अभी चला जाइए, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मैं भी सो ही जाऊंगा, वरना रुकता हो तो भाई यहीं पे फ्रैंकलिन के साथ सो जा। अरे नहीं यार माइकल भाई बात समझ यार, मैं अभी जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार मुझे। चल ठीक है भाई, तुम दोनों सो जाओ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। बाय बाय फ्रैंकलिन और माइकल। यार मेरा भी मन है इनके साथ रुकने का, पर लेकिन क्या करूँ यार, मैं अपने सारे के सारे कंप्यूटर्स ऑन करके आया था यार, वहाँ पर सारी की सारी फाइलें डाउनलोड हो चुकी होंगी, और अभी जाके यार मुझे और फाइलें भी डाउनलोडिंग पे लगानी है। अभी मैं टैक्सी को कॉल कर देता हूँ, टैक्सी भी आ जाएगी जल्दी से। गाइस यार मेरी टैक्सी वाले से तो बात हो चुकी है, वो कह रहा है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो जब तक मैं वेट कर लेता हूँ उस टैक्सी वाले का। चलो यार फ्रैंकलिन भी यहाँ पर सो चुका है भाई, कितनी तगड़ी नींद आई थी, से लेट तेज सो गया, अभी मैं भी यार सो जाता हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज नींद आ रखी है। लेस्टर को तो पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो कि वो अभी चला गया यार इतनी रात में। खैर छोड़ो यार, टैक्सी में बैठ के वो चला ही जाएगा, लॉस सैंटोस में पूरी रात और पूरे दिन टैक्सियाँ चलती हैं यार, इसलिए टेंशन की तो कुछ बात है नहीं। गुड नाइट गाइस। क्या फ्रैंकलिन मेरे को छोड़ने के लिए आया है क्या? अरे ये मेरे को मार क्यों रहा है यार? अबे फ्रैंकलिन तो पागल हो गया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस कार के अंदर कोई भी नहीं है? अरे ये तो सही में कोई नहीं है इस कार के अंदर। अरे तो फिर इस कार को चला कौन रहा है यार? अरे मेरे को कोई बचाओ यार, बचाओ फ्रैंकलिन, माइकल। अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे कौन बचाएगा?
तो यार अभी सुबह हो चुकी है और अभी का टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखता हूँ यार। सबसे पहले तो 6 बज चुके हैं, आज काफी जल्दी आ खुल गई मेरी। अभी चल के फ्रैंकलिन को देखता हूँ, फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। फ्रैंकलिन तो अभी मेरे हिसाब से सो ही रहा होगा, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। ये देखो ये तो सोया पड़ा है यहाँ पे। और भाई लेस्टर तो रात ही चला गया था, एक बार उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ वो किस टाइम पहुंचा था घर पे। कॉल ही नहीं उठा रहा यार, अभी तक तो कॉल नहीं उठाई उसने। उठा ले भाई कॉल, उठा ले यार कॉल। नहीं उठाई भाई इसने, रुक जाओ फिर से मिलाता हूँ। कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, ये हो भी सकता है कि रात को काम करके लेट सोया हो, अभी तक सो ही रहा होगा भाई। चलो देखता हूँ ये वाली कॉल उठा लेगा तो ठीक है, वरना तो फिर रहने देता हूँ, बाद में कॉल करके पूछूंगा उससे। लेस्टर तो कॉल नहीं उठा रहा, उससे बाद में बात कर लूंगा। पर भाई रात हम ये कार लेकर आए थे, पता नहीं ये कार किसकी है, पर लेकिन अभी तो हमारी हो चुकी है यार। कितनी मस्त ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर है ये, अभी इससे एक राउंड लगा कर आता हूँ यार। मैंने चलाई भी नहीं है, रात भी फ्रैंकलिन ही चला कर लाया था इसे। पर ये कैसी हेडलाइट रेड कैसी हो गई, कल रात तो शायद सफेद ही थी, पता नहीं यार शायद रेड ही होगी। कल तो हम नशे में भी थे यार, कल रात का मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। किसी भी कार की हेडलाइट ऐसे अपने आप कैसे बदल सकती है, इस कार की हेडलाइट पहले से ही रेड होगी। चलो अभी मैं इस कार को बाहर निकालता हूँ, फटाफट से एक राउंड लगा कर वापिस इसको यहीं पर लगा दूंगा। और मुझे पता है फ्रैंकलिन आज इसी से अपने घर जाने वाला है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई कार है भी नहीं घर जाने के लिए। जब तक फ्रैंकलिन उठेगा मैं एक राउंड लगाकर वापिस इस कार को यहीं पर लगा दूंगा। चलो अभी से जल्दी से बाहर लेकर चलता हूँ यहाँ पर। और ये क्या लेस्टर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है यार, रे तो रात को घर चला गया था ना। अबे भाई लेस्टर हेलो भाई, क्या हो गया तेरे को भाई, तो बेहोश पड़ा हुआ है और इसकी चोट के निशान के भाई इसके शरीर पे। हेलो लेस्टर भाई उठ जा यार, इसको कैसे उठाऊं यार, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी जल्दी से फ्रैंकलिन के पास चलता हूँ यार, फ्रैंकलिन को बुला के लाता हूँ। लेस्टर को पता नहीं यार यहाँ पे क्या हो रखा है, और जब वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा था। भाई फ्रैंकलिन भाई जल्दी उठ यार। अबे क्या हो गया भाई, तूने तो डरा ही दिया यार, ऊपर ही चढ़ गया मेरे। बात ही डरने वाली है यार, वो लेस्टर। लेस्टर क्या हुआ लेस्टर को? भाई लेस्टर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है यार। अबे पागल है क्या, लेस्टर तो रात को चला गया था ना यहाँ से। चला तो गया था पर मुझे भी नहीं पता ना उसके साथ हुआ क्या है। भाई अभी फटाफट से मेरे साथ आ। ये देख यार ये कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, अबे कहाँ रह गया भाई, थोड़ा जल्दी आ फ्रैंकलिन। अबे इसको क्या हो गया, इसके शरीर पे तो काफी सारे चोट के निशान भी है भाई, इसके साथ हुआ क्या है? मेरे को नहीं पता यार फ्रैंकलिन, मैं भी तो जाके सो गया था। हाँ यार ये भी तो सही कह रहा भाई, इसके शरीर में से काफी ज्यादा खून बह चुका है, अभी इसको फटाफट से लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इसे लेके जल्दी पीछे बैठ यार। गाइस यार अगर आपको पता है लेस्टर के साथ हुआ क्या है तो आप लोग फटाफट से एक बार कमेंट में बता दो मेरे को, लेस्टर की ये हालत की किसने, फटाफट से यार एक बार कमेंट में बताओ यार, जल्दी बताओ जल्दी। और ये लो यहाँ पर हम हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं यार, ये तो काफी ज्यादा दिक्कत की बात है यार, लेस्टर के साथ ये रात हुआ था और जब से इसका खून बह ही रहा है भाई, और लेस्टर बस जल्दी से ठीक हो जाए। माइकल तो लेस्टर को लेके आ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ जाके। डॉक्टर इसको होश कब तक आ जाएगा? अभी मैंने इनको इंजेक्शन लगाया, होश तो इन्हें आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, पर थोड़ी सी घबराने वाली बात है क्योंकि ये कल रात से ही बेहोश है और इनका ब्लड भी काफी ज्यादा बह चुका है। इनको ब्लड की जरूरत है, वो तो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डॉक्टर ये ठीक तो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक तो ये हो जाएंगे। ये क्या सीन है, उनकी कॉल कर रहा है मेरे को, चलो इससे बात करके देखता हूँ एक बार, कुछ पूछना हुआ कार वगैरह के बारे में। हेलो माइकल। हाँ भाई सिमियन क्या हुआ? अरे यार माइकल एक इम्पोर्टेंट काम था भाई, आ सकता है क्या मेरे शोरूम पे? इम्पोर्टेंट काम है यार, वैसे तो अभी मैं लेस्टर के साथ था, लेस्टर क्या थोड़ी चोट लग चुकी है, मैं वहीं पे हॉस्पिटल में था। अरे भाई आ जाए यार, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है भाई। अच्छा चल ठीक है मैं आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन या सिमियन की कॉल आई थी, वो बुला रहा है मेरे को, बोल रहा है कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी। ठीक है माइकल ठीक है। चलो यार अभी फटाफट से निकलता हूँ, इस कार को तो नहीं लेके जाता, क्या पता फ्रैंकलिन को भी जरूरत पड़ने लगे इस कार की, अभी मैं किसी और की कार छीन लेता हूँ यार। हेलो मैडम मुझे आपकी कार की जरूरत है, तो आप निकलिए फटाफट से। चलो यार अभी फटाफट से निकलता हूँ। अरे मैडम तुम भी निकल लो, पता नहीं सिमियन कैसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो उसने इतने अर्जेंटली बुला दिया एकदम से। सिमियन के शोरूम पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, अभी फटाफट से चल के उससे बात करता हूँ, उसने मुझे बुलाया किस लिए। अरे माइकल आज कैसे आना हुआ यार? आज कैसे आना हुआ भाई, क्या पागल है क्या, तूने तो बुलाया है अभी। माइकल मैं नहीं पागल, मुझे लग रहा है तू हो गया है भाई, मैं क्यों बुलाऊंगा तेरे को। तूने तो कॉल करके बुलाया था, देख तेरे को कॉल भी दिखा दूं तेरी। अरे मेरे फोन में लास्ट कॉल तो अमेंडा की दिखा रहा है, सिमियन की कॉल तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है यार। माइकल जब मैं कॉल करूंगा जब ही तो दिखाएगा भाई, मैंने कॉल करी ही नहीं है तो कहां से दिखा देगा तेरे फोन में। अरे यार ये हो क्या रहा है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिमियन ने कॉल की थी भाई मैं जब ही आया हूँ यहाँ पे, और मेरे फोन में सिमियन की कॉल नहीं दिखा रहा। भाई मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरे को अभी रेस्ट की जरूरत है, कल रात की अभी तक चली हुई है मेरे को। पर लेकिन यार ऐसा हो कैसे सकता है, मेरे को सच्ची में सिमियन की कॉल आई थी यार, मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है। आंखों से क्या भाई, उससे बात भी करी है, पता नहीं यार क्या हो रहा, मैं तो भाई अभी थोड़ी देर जाके सोने वाला हूँ।
अब ये कौन आ गया पिटने के लिए जो मेरे घर के बाहर आके हुरन बजा रहा है? अभी जाके देखता हूँ कौन है। अरे ये क्या है? ये कार तो हॉस्पिटल में थी ना, ये यहाँ पे कैसे आई? इस कार में तो कोई भी नहीं बैठा, ये कोई भूतिया कार है क्या? ये कार अभी भी चालू है यार, और इसमें सच्ची में कोई भी नहीं बैठा यार, क्या करूँ मैं अब? ये कार तो सही में अपने आप चल रही है, मेरे से दूर रहना, एक कार दूर रहो मेरे से। यार ये कार तो सही में एक भूतिया कार है, फ्रैंकलिन से मना किया था ऐसे कार मत उठाओ यार, ये कार मेरे को मार देगी यार, प्लीज यार मेरे को मत मारो प्लीज। तो गाइस फाइनली यार इसको होश आ चुका है। लेस्टर ठीक तो है ना? तो मैं तो ठीक हूँ यार, पर वो तुम्हारी कार जो है ना वो एक भूतिया कार है यार। मेरी कार भूतिया कार है? पे मेरी कौन सी कार भूतिया होगी भाई? अरे वो ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर यार जो हम वहाँ से लाए थे। और माइकल कहाँ पे है? माइकल को सिमियन की कॉल आई थी, सिमियन ने उसे बुलाया, वहीं पर गया है वो। अरे नहीं वो उस कार को लेकर तो नहीं गया। पता नहीं भाई कौन सी कार लेके गया है वो, एक बार देख के आता हूँ बाहर वो कार खड़ी हुई है या फिर नहीं। अरे नहीं यार यहाँ पर तो वाली कार है ही नहीं, लगता है माइकल उस कार को लेकर गया है। अभी फटाफट से माइकल को कॉल करके पूछता हूँ वो कहाँ पर है। लेस्टर जो बोल रहा है अगर वो सही हुआ ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। उठा ले भाई माइकल कॉल, उठा ले यार कॉल, उठा ले भाई, ये तो कॉल ही नहीं उठा रहा यार, अब क्या करूँ? तो गाइस इसके आगे क्या होगा वो जानने को मिलेगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? वो आएगा जब इस वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से 50 लाइक कंप्लीट करा दो यार, काफी छोटा सा लाइक है, इतना तो कर ही सकते हो यार। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।